स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते आज पालकों द्वारा कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पालक द्वारा चलाई जा रही नो स्कूल नो फीस मुहिम के अंतर्गत सोमवार को करीब 12 स्कूलों के पालक एकत्रित होकर शाम को कोठी रोड स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे। पालकों द्वारा बनाए गए ऑल स्कूल पेरेंट्स क्लब के बैनर तले पेरेंट्स को पैदल मार्च निकाला जाना था, लेकिन तेज बारिश की वजह से पालक शाम को सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। पालक ने कलेक्टर आशीष सिंह को बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर भी हजारों रुपए की फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए पालकों के हित में प्राथमिक स्तर पर 500 रुपए, माध्यमिक स्तर पर 800 रुपए व हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्तर पर 1200 रुपए की ट्यूशन फीस तय की जाए। सभी पालक इस फीस को जमा करने पर सहमत हैं। पालकों ने कहा, स्कूल मैनेजमेंट से तो हम बात कर थक गए हैं, पालकों के इस प्रस्ताव के आधार पर ट्यूशन फीस तय कर आदेश निकालिए। पालकों ने कलेक्टर से कहा कि आपके माध्यम से हमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिलवाइए। कलेक्टर ने मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तेरह स्कूलों के 24,000 पालकों ने एक ऑल स्कूल पेरेंट्स क्लब बनाया है और उसका एक ही विषय है कि जिस प्रकार से हम पे गलत तरीके से दबाव बना के और स्कूल की फीस मांगी जा रही है, और उसके लिए हम कलेक्टर साहब को एक खुलासा करने आए थे कि जो ट्यूशन की फीस है वो ट्यूशन की फीस में बहुत सारी और भी फीसें जोड़ के इन्होंने एक बड़ा अमाउंट बना दिया गया है और हाईकोर्ट के द्वारा सिर्फ ट्यूशन की फीस लेने का इनको अधिकार दिया गया है। तो ये जो धांधली चल रही है उसके खिलाफ हम सब कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, उनसे समय भी का हमने अनुग्रह वो भी कराया उनसे अनुग्रह कि आप हमें सीएम साहब से भी मिलवाएं ताकि हम ये सारी चीजें उनके सामने रख सकें। एक विषय वो था कि अप्रैल माह की फीस तकरीबन सभी स्कूलों ने जमा करवा ली थी, क्योंकि वो 19-20 के सत्र में आता है, जुलाई से अप्रैल तक के, उसमें वो तकरीबन करोड़ों रुपए जीरो शिक्षण माह के अंदर उनके पास जमा है। अगर कहीं उनको कहीं आर्थिक परेशानी आती है तो उसमें से भी वो उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से अन्यायपूर्ण तरीके से जो वो वहां पे पालकों पे दबाव बना रहे हैं कि 10-12 के फॉर्म भी नहीं भरने दे रहे हैं वोट के, इस विषय को जरूर हम रखने के लिए आए थे कि हमारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़े। देखिए, आज जो प्राइवेट स्कूलों के पालकगण थे वो कुछ 12-13 स्कूलों के आए थे मिलने के लिए, और उनका ये कहना है कि उनसे जो फीस ली जा रही है वो ज्यादा है। इस संबंध में राज्य शासन के और हाईकोर्ट के निर्देश जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्यूशन फीस जो है वो ली जा सकती है, इसके अलावा अन्य कोई जो उपकर उनको हम कह सकते हैं, सुविधा शुल्क वगैरह कह सकते हैं, वो बिल्कुल लेना पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। एक बात ये भी निकल के आई है कि पहले जो ट्यूशन फीस होती थी उसमें कई सारी अन्य चीजें जोड़ दी गई हैं, नई ट्यूशन फीस जो है ज्यादा बना दी गई है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। मेरे द्वारा इनसे दस्तावेज मांगे गए हैं कि पहले कितनी ट्यूशन फी होती थी, आज की स्थिति में कितनी ट्यूशन फी ली जाती है। अगर कहीं भी इस प्रकार की अनियमितता मिलेगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। शासन के और कोर्ट के जो आदेश हैं बिल्कुल क्लियर हैं, ट्यूशन फीस जो पहले हुआ करती थी केवल और केवल वही स्कूल फी स्कूल प्रबंधन जो है वो ले सकता है, कोरोना के समय उससे ज्यादा वसूलना पूरी तरीके से गैर